I am going to discuss about the solid state type of unit cell based on dimensions and angles. There are seven type of primitive unit cell: cubic unit cell, tetragonal unit cell, orthorhombic unit cell, and rhombohedral unit cell, and hexagonal, and F monoclinic triclinic. Lattice Brevius lattice. Brevius lattice on the basis of position of lattice point. There are 14 three dimensional arrangement of lattice known as Brevius lattice, and type of unit cell based on the dimension and angles. There are seven type of primitive unit cell. First, cube, tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, hexagonal, monoclinic, and triclinic. Brevius lattice on the basis of position of lattice point. There are 14 three-dimensional arrangement. How many? 14 three-dimensional arrangement of lattice known as Brevius lattice. Seven primitive unit cells. There are possible variation as centered unit cell. First, cube. इसमें पॉसिबल वेरिएशन है प्रिमिटिव बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर्ड. और इसका एक्सियल डिस्टेंस या एज लेंथ क्या हो जाएगा? साइड सबका इक्वल रहेगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. साइड सारे का इक्वल रहेगा, एज लेंथ इक्वल रहेगा, एंड एक्सियल एंगल जो निकलेगा वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू टोटल 90 डिग्री. अल्फा भी 90 डिग्री होगा, बीटा भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, एंड गामा भी 90 डिग्री ही होगा. एंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, ZnS जिंक ब्लेंड्स एंड कॉपर. इसका एग्जांपल हो गया. एंड टेट्रागोनल का ये आ जाएगा प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर. इसका पॉसिबल वेरिएशन क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड. एंड इसमें साइड ए और बी तो इक्वल रहेंगे, मगर साइड सी जो रहेगा वो अनइक्वल रहेगा. वो ए बी से साइड से एज लेंथ से डिफरेंट रहेगा. इसका जो एक्सियल एंगल जो निकलेगा वो भी अल्फा बीटा और गामा ये सारे 90 डिग्री के ही होंगे. एंड इसमें एग्जांपल हो जाएगा वाइट टीन, SnO2, TiO2 एंड कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक में चार पॉसिबल वेरिएशन है. फर्स्ट, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर बॉडी
centered and face centered. Face centered and end centered. End centered. Orthorhombic में इसका पॉसिबल वेरिएशन होगा प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. इसमें साइड जो रहेंगे वो नॉट बी नॉट सी, ये तीनों अनइक्वल रहेंगे. इसमें अल्फा बीटा जो एक्सियल एंगल है वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री के होंगे. रोम्बिक ये सल्फर होगा इसका. रोम्बिक इसका एग्जांपल होगा रोम्बिक सल्फर. KNO3 BaSO4 बेरियम सल्फेट एक्सेट्रा. हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में सिर्फ पॉसिबल वेरिएशन प्रिमिटिव का ही होगा. ये प्रिमिटिव का ही होगा. प्रिमिटिव इसमें साइड जो होंगे साइड ए बी के इक्वल होंगे, बट बी ए बी नॉट इक्वल टू सी. सी जो होगा वो अनइक्वल होगा. इसमें अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होंगे दोनों एंगल अल्फा और बीटा वाला, बट गामा जो होगा वो 120 का होगा. इसमें आ जाएगा एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड CDS. रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल भी इसको बोलते हैं. रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोला जाता है. इसका भी जो पॉसिबल वेरिएशन होगा वो प्रिमिटिव होगा. प्रिमिटिव इसमें ए साइड बी साइड सी तीनों साइड जो होंगे एज लेंथ जो होगा वो सारा इक्वल होगा. एंड अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों का जो एंगल निकलेगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा. एंड इसमें आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 HgS जिसे सिनेबार भी बोलते हैं, ये इसका एग्जांपल है. मोनोक्लिनिक इसका पॉसिबल वेरिएशन जो होता है वो प्रिमिटिव होता है. प्रिमिटिव एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड होगा. इसमें जो एज लेंथ होगा वो इक्वल नहीं होगा, वो इक्वल नहीं होगा. इसमें जो एंगल है एंगल का एक्सियल एंगल वो अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री का होगा, बट बीटा जो होगा होगा. ये मोनोक्लिनिक सल्फर Na इसका एग्जांपल होगा Na2SO4 इंटू 10H2. ठीक. एंड ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव, प्रिमिटिव इसका एग्जांपल हुआ. इसमें साइड जो है वो इक्वल नहीं रहेगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट सी. एंड इसका जो एंगल होगा वो भी इक्वल नहीं होगा 90 डिग्री के. तीनों एंगल अनइक्वल रहेंगे 90 डिग्री के. इसका एग्जांपल K2Cr2O7 CuSO4 इंटू 5H2O एंड H3BO3. थैंक यू.